हमेशा नॉमिनेशन का दिन जो होता है वो अपने आप में शुरुआत होती है। अब इतना लंबा सफर हम लोग सबने, झालावाड़ के लोगों ने, हम लोगों ने एक परिवार के रूप में मिलकर यहाँ तक सफर किया है, साथ में मिलकर सफर किया है। मुझे तो विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर भी ये 5 साल जो आगे आने वाले हैं उसमें भी जिस तरीके से अभी तक इस परिवार ने प्यार आशीर्वाद सहयोग दिया है उसी तरीके से मिलता रहे। गारंटी पर सालों का सरकार चलने का दावा कर रहे हैं। एक चीज मैं क्लियर यहाँ करना चाहूंगी कि आप लोग उन शब्द पकड़ने का काम करते हैं। ये जो झालावाड़ है ना, ये हमारा परिवार है। इस परिवार के बीच में हम बहुत चीजें एक दूसरे के साथ करती हैं जिसका पॉलिटिकल कनोटेशन नहीं होता है। और कल अगर मैंने ये कहा था तो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि दुष्यंत को देखकर, कल भाषण सुनकर, सब लोगों का रिएक्शन देखकर मुझे भी बड़ी खुशी हुई। माँ एज अ मदर मुझे अच्छा लगा कि दोनों का इतना अच्छा एक दूसरे के साथ समन्वय था और इसीलिए मैंने वो बात कही। पर मैं आपको ये बहुत क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं अभी नॉमिनेशन फाइल करके ही निकल रही हूँ, तो कहीं रिटायरमेंट का की बात मत अपने ध्यान में रखना। एक चीज और मैं ध्यान करना चाहूंगी, आप लोगों को देना चाहूंगी कि अशोक गहलोत जी की सरकार ने अभी तक इस प्रदेश के साथ छलावा करके, कपट करके राज करने का काम किया है। 4 साल तक पिटारा खोला नहीं, लोगों को दुखी करने का काम किया और फिर जख्म के ऊपर नमक डालने का काम किया। ये सब हमारी राजस्थान की जनता बहुत ही समझदार है और जानती है कि उन्होंने क्या किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक जोरदार तरीके से इसका रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आएगा। बहुत जोरदार तरीके से हमारे लोग जीत करके जाएंगे और आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।